श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवाणी। इस शो में हम बात करेंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़े, पैसा कैसे कमाए, तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं, क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे जीवन में खुशियों का आगमन हो। ये एक वीकली शो और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए, जरूर से आपको लाभ होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 27 अगस्त से 2 सितंबर 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह शुक्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं। यानी कि आप जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं, कपड़ों का व्यापारी हो, सोना चांदी का कार्य कर रहे हो, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो, आप यह समझ लीजिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। व्यापार में इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में यह सप्ताह आगमन करने वाली हैं। आपको खाली अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना दूर होगी, यानी कि दुर्घटना होगी ही नहीं। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है, जीवन में आगे बढ़े। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, अब समय आ चुका है पॉलिशिंग का। आपको थोड़ा सा स्मार्टली कार्य करना है, थोड़ा सा चालाकाई के साथ कार्य करना है। अगर आपने स्मार्टली कार्य किया तो आपको जरूर से जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं यह सप्ताह, आप गुरुवार के दिन अपने इंडेक्स फिंगर पे पुखराज 5-6 कैरेट का पहन सकते हैं गोल्ड में, और मंत्र है ओम गुरुवे नमः। 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। जीवन में आ रही बाधाएं, जीवन में आ रही तकलीफें धीरे धीरे कटती जाएगी, दूर होती जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चों की जो चिंता आपको सता रही थी, वो चिंता धीरे धीरे दूर होगी और खुशियों का आगमन होगा। वृषभ राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह नाउ और नेवर वाला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो चीज़ों का प्लान आपने करके रखा है, उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप यह समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेंस आपको मिल सकता है। ऐसा पैसा जो शायद आपने नहीं सोचा और आपको मिल जाए, अटका हुआ पैसा मिल सकता है, जो पास्ट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट है जिसके रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहे थे, वो मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों, फाइनेंशियली जो आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, पर सावधानी बरतेंगे तो आप यह समझ लीजिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना क्या था? 2-व्हीलर लेना, खुद का 4-व्हीलर लेना, जो पिछले कुछ समय से आप प्रयत्न कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें आ रही थी और आप नहीं ले पा रहे थे, पर वो बाधाएं ये सप्ताह दूर होगी, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नए ऑफिस में शिफ्ट होना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं, कर्क राशि वालों, वो सभी में ईश्वरीय सहायता आपको मिलेगी। और आप यह समझ लीजिए ईश्वरीय सहायता यानी आपने बेड़ा पार कर लिया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवी राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, यह सप्ताह कम्युनिकेशन वाला सप्ताह है, यह सप्ताह कांटेक्ट वाला सप्ताह है। आप यह समझ लीजिए यह दो चीज़ पे आप ध्यान देंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मन मुटाव चल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो कि प्रोफेशनल लाइफ में हो, मन मुटाव कैसे दूर हो सकते हैं? बातचीत के द्वारा। दूसरा, आपके जीवन में नए लोगों का आगमन होगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वो नए लोग आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे,
सिंह राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि साइलेंटली आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ खींचते जाएंगे और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। विवाह करने का विचार कर रहे हैं, पार्टनर्स नहीं मिल रहे, तो यह सप्ताह प्रयत्न करिएगा, जरूर से आपको पार्टनर मिल सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, ओम रिम रिम शुक्राय नमः इसका जाप करें, जरूर से आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, करियर में लापरवाही बरत रहे हैं, कि तो अब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, वरना समय निकल जाएगा और आपको पछतावा होगा। दूसरा, आपको किसी भी प्रकार का ईगो नहीं रखना है, गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कन्या राशि वालों, आप अपनी लास्ट फिंगर में चंद्र यानी मोती 5 से 6 कैरेट का पहन सकते हैं चांदी में, सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं पहनने की और मंत्र रिसाइट कर सकते हैं, ओम सोम सोमाया नमः 101 बार इसका उच्चारण करें, जरूर से आपके जीवन में स्ट्रेस दूर हो जाएगा और मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगी। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, यह सप्ताह चेंज निश्चित है। आप यह समझ लीजिए नई अपॉर्चुनिटीज इंतज़ार कर रही है। स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तुला राशि वालों। दूसरा, आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद के ऊपर ही भरोसा रखकर कार्य करिए, किसी के भी भरोसे नहीं रहना है। अगर आप किसी के भरोसे रहे तो आपका भरोसा टूट सकता है, नुकसान हो सकता है और लास्ट में आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए भरोसे रहे बिना कार्य करिए, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आप लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, पर यह सप्ताह आपको बाहर का फूड अवॉइड करना होगा। स्टमक रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जंक फूड को अवॉइड करिए। यह सप्ताह आपको अपनी आस्था भगवान के प्रति और बढ़ा देनी है, थोड़ा सा अपना ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा दीजिए। आप शिरडी साईं बाबा के मंदिर जा सकते हैं और या तो गुरुवार के दिन साईं बाबा के मंदिर जाकर ओम साई नाथ 151 बार इसका जाप करें और पीली वस्तुओं का दान करें। मंगलवार के दिन लाल कपड़ों का दान करें, जरूर से जीवन में आ रही बाधाएँ, जीवन में आ रही तकलीफें दूर होती जाएगी और आप आगे जरूर से बढ़ेंगे। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, धन का आगमन यह सप्ताह होगा, आपको अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल सकता है, पर कोई भी प्रकार का आपको पैसों का लेन देन नहीं करना है। अगर आपने पैसे उधार दिए तो नुकसान हो सकता है, शायद वो पैसा वापिस ना आए। इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं, शेयर बाजार में करें, म्यूचुअल फंड में करें, गोल्ड में करें, रिटर्न्स मिलेंगे। लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका भी समाप्त होपन हो सकता है, कोर्ट केस आपके फेवर में भी आ सकता है। धनु राशि वालों, पैतृक संपत्ति आपको यह सप्ताह मिल सकती है, उसका निकाल भी आ सकता है। आपको अपने परिवार वालों का, आपके पार्टनर का, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा और आप यह समझ लीजिए जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, साइलेंटली कार्य करिए। आप यह समझ लीजिए कि आप बेड़ा पार करने वाले हैं, नए लोगों के संपर्क में आएंगे, वो नए लोग आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे, आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिल सकती है। थोड़ा सा आपको चालाकाई के साथ कार्य करना है, कोशिश की जाएगी आपको गिराने की, तोड़ने की, पर चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है और मन को शांत रखना है। शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम हनुमंताय राम दूताय नमः 101 बार इसका जाप करें, जरूर से जीवन में से कठिनाइयां दूर होंगी और आप मजबूताई के साथ आगे आएंगे। आप अगर जमीन में रुकान इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जमीन लैंड वाला इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। मकर राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर आपको निराश नहीं होना है, आपको अपना मनोबल नहीं खोना है।
आपको बिंदास रहना है, आपको स्टेबल रहना है। स्टेबल कैसे हो सकते हैं? मेडिटेशन से आपको जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो रोज़ाना आपको आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, और बुधवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार ये मंत्र का जाप करिए। जरूर से आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी कुंभ राशि वालों बढ़ेगा। यानी आप चिंता ना करें, बिंदास आगे बढ़ें। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना कन्फ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा मत सोचिए, डायरेक्टली कार्य करिए। दूसरा, एक्सपेक्टेशन कहीं से भी मत रखिए। अगर आपने एक्सपेक्टेशन, आपने उम्मीद रखी तो आपकी उम्मीदें टूट सकती है और आपको यही लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीद रखे बिना कार्य करिए, फिर देखिए आपको कितना मज़ा आता है। आपकी कोई इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण हो सकती है, आपकी कोई बाधा अधूरी है उसको पूरी करने का ट्राई करिए। यही सप्ताह आप वो बाधा पूरी कर लेंगे तो आप देखिएगा अचानक आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जो मनमुटाव चल रहा था, परिवार वालों के साथ जो मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव दूर होगा, रिश्ते सुधरेंगे और मिलजुल कर आप खुशियों के साथ जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। मीन राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे जीवन में खुशियों का आगमन हो। तो देखिए, आपके घर के बाहर आपको ऊपर एक गणेश जी लगाने हैं, स्वास्तिक करना है और ओम भी आप लिख सकते हैं। इतना करेंगे तो घर पर आ रही बाधाएं, नेगेटिविटी, खराब चीज़ें ऑटोमेटिकली दूर होती जाएगी और आपके घर खुशियों का आगमन होगा। उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सैटरडे को सुबह वापस इसी समय मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें। श्री गणेशाय नमः।